नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। अनुपमा में अनुपमा बनी घर की मालकिन तो चूर हो गया काव्या का सारा घमंड। वेल, अनुपमा में जल्द ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहां धीरे धीरे काव्या के इश्क का बुखार वनराज के सिर से उतरता नजर आ रहा है। वहीं अब बीमारी को मात देकर अनुपमा भी काव्या का घमंड तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। वेल, अब तक हमने देखा कि शादी के बाद भी वनराज और काव्या की दूरियां बढ़ती जा रही है दिनों दिन। जब से अनुपमा बीमार हुई है, वनराज काव्या से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। वहीं अब कैंसर को मात देने के बाद अनुपमा अपने घर जाने के लिए रवाना हो जाती है। अनुपमा के साथ पूरा परिवार है। वहीं वनराज और काव्या भी घर के लिए निकल जाते हैं। घर के बाहर बापूजी बेसब्री से अनुपमा का इंतजार कर रहे होते हैं। अनुपमा के आते ही बापूजी घर का बंटवारा कर देते हैं। बापूजी अनुपमा को बताते हैं कि उन्होंने घर के तीन हिस्से दिए हैं। बापूजी बताते हैं कि तीनों हिस्सों में से एक हिस्सा वनराज का, दूसरा उनकी बेटी का और तीसरा अनुपमा का है। ये सुनकर काव्या काफी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अंदर ही अंदर जल कर राख हो जाती है। इसी बीच सीरियल में काफी कुछ देखने वाला है, जिसकी वजह से काव्या की रातों की नींद भी उड़ने वाली है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि परिवार के लोग अनुपमा की सेहत सुधरने का जश्न मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जैसे ही काव्या घर में आएगी, घर के बाहर का बांधा गया बंधनवार टूट कर गिर जाएगा। ये अशगुन होते ही बाघ काव्या पर गुस्से से बरस पड़ेंगी और उसे खरी खोटी सुनाएंगी। इसके बाद पूरा शाह परिवार काव्या और वनराज को इग्नोर करेगा, लेकिन इस हरकत पर काव्या और वनराज काफी गुस्से में होंगे। लेकिन इन सब के बीच अनुपमा यहाँ पर चुप नहीं रहेगी और काव्या को मुंह तोड़ जवाब देगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।